దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ జనతా పార్టీ హవా కొనసాగుతున్న టైంలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి సెమీఫైనల్గా ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికలు ఉండబోతున్నాయి అనే చర్చ విపరీతంగా నడుస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఉత్తరప్రదేశ్లో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏంటి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఏ రాజకీయ సమీకరణాలు ప్రస్తుతం కనబడుతున్నాయి ఈ అంశాలకు సంబంధించి ఉత్తరప్రదేశ్కి సంబంధించిన వ్యక్తితో మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అందులోను రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక సంఘ్కి దగ్గరగా ఉండి వా ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమవుతూ ముందుకు సాగుతున్న వ్యక్తి అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఎన్నికల బరిలో సాదాబాద్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి ఎన్నికల బరిలో నిలవడానికి కూడా ఉత్సాహవంతంగా ముందుకు సాగుతున్నటువంటి వ్యక్తి అండ్ అక్కడ ఉన్న అభ్యర్థుల జాబితాలో ఔత్సాహికుడు కూడా ఈయన ప్రాబుల్స్లో ఈయన కూడా ఉన్నారు కాబట్టి సో బేసికల్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయ ముఖచిత్రం చిత్రం గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ పర్సెప్షన్ని తెలుసుకునే ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ గణేష్ గౌతమ్ గారు వారితో మాట్లాడి उत्तर प्रदेश के संबंधी राजकीय गुरी तेल प्रयत्न चाहता हूँ नमस्ते गौतम जी गौतम जी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश इलेक्शंस को या विधानसभा का चुनाव है ना उनको सेमीफाइनल की जैसा कई लोग बता रहे हैं टू को ये सेमीफाइनल है के हैबल बल्कि उत्तर प्रदेश में ये सेमीफाइनल में बीजेपी जीतेगा कि नहीं हाँ, कैसे बीजेपी का जीत निश्चित है और उसका आधार ये नहीं है कि केवल हम कह रहे हैं इसलिए निश्चित है बीजेपी अपने उन कारणों से जीतेगी जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर का एक सोचुएसन था आ, योगी जी की सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अखिलेश की सरकार थी उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से ये देखा हूँ कि रोड पर जाते हुए व्यक्ति की कब मोटरसाइकिल छीन ली जाएगी कब उसको लूट लिया जाएगा उसका कोई पता नहीं है बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर के पुलिस लगातार घूम रही है वहाँ पर लेडीज़ का चैन स्नैचिंग होना आम बात थी बलात्कार होना आम बात थी और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये एजेंडा था कि उनके जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं उनको हर यादव दो से पाँच करोड़ रुपए का होना चाहिए था चाहे उसके लिए वो लूट करे हत्या करे डकैती करे बलात्कार करे अपहरण करे जैसे भी करे लेकिन वो करे और उसको आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहिए उनका एक एजेंडा था जिसके लिए पूरी सरकार ने इस तरह से काम भी किया okay. और आ, उस एजेंडा में वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे लेकिन उसके फलस्वरूप जैसा कि पब्लिक और उनके साथ साथ एक समस्या ये भी खड़ी हुई उन्होंने यादव वर्सेस यादव वर्सेस हिंदू में अदर कम्युनिटीज़ को कम्युनिटी बेस पर डिवाइड किया और मुसलमानों को साथ लेकर के हिंदुओं का जो मॉरल था उसको तोड़ने का प्रयास किया उनको लगा कि केवल मुसलमानों के वोट के आधार पर हम लोग सरकार चलाएंगे तो उनको 2017 के परिणाम जो चुनाव के आए उसमें उसका परिणाम उनको मिला और आज वो सड़क पर हैं और निश्चित रूप से इस बार भी वो सड़क पर ही रहने वाले हैं क्योंकि उनका कोई एजेंडा नहीं है अच्छा अब अब बीजेपी का एजेंडा क्या है इस अ, चुनाव में हिंदुत्व या अ, विकास हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा है ही क्योंकि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है ये भारत देश हिंदुओं का है हिंदुत्व केवल भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं हिंदुत्व उस हर आम हिंदुस्तानी का एजेंडा है और बीजेपी केवल हिंदुत्व की बात नहीं करती हिंदुत्व हमारा एजेंडा है हिंदू हमारा एक जीवन है हिंदू तो जीवन की एक दिनचर्या है एक जीवन जीने का एक तरीका है हिंदू को एक शब्द नहीं है हिंदू तो जीव वे ऑफ लाइफ है लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरा का पूरा डेवलपमेंट करने की कोशिश की है जैसे योगी जी के समय में आ, करीब एक लाख के आसपास पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती हुई वो पूरी पारदर्शिता के साथ हुई जिसमें एक रुपए का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट थे वो उनमें कोई करप्शन नहीं होने दिया और जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे थे उनमें जैसे कि गन्ना के किसानों का जो बकाया था शुगर मिल पर वो सारा का सारा उनको दे दिया गया और गन्ने का एक मूल समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया तो बहुत सारा काम किया गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करते हैं अच्छा हाँ। ये अच्छा ये कृषि कानून को लेके आया मोदी सरकार ने और हटा दिया भी क्यों हटा दिया I mean, उसका इम्पैक्ट क्या है आप भी वेस्टर्न यूपी का रहने वाला है ना आप भी ओ, आपका कॉन्स्टिट्युंसी भी वेस्टर्न यूपी में है वेस्टर्न यूपी में ही इनका इम्पैक्ट है बोल के चर्चा हो रहे। कृषि कानून का इम्पैक्ट यूपी इलेक्शंस में कैसे है अब एक्चुअली कृषि कानून जो बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माननीय मोदी जी की सरकार ने वो कृषि कानून दरअसल किसानों के हित का ही कानून है और उसका जो इंटरप्रटेशन हुआ किसानों के बीच में चूँकि किसान एक ऐसी कम्युनिटी है जो पढ़ी लिखी नहीं होती और अफवाहों के आधार पर के पूरा का पूरा चला और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ जो आंदोलन और जो धरना और जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें जो मूल रूप से जो किसान हैं उसका उसमें कोई सहभागिता नहीं थी और ये आने वाले इलेक्शन में कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं था लेकिन बावजूद इसके भी जैसा भी रहा लेकिन अंततः इस कानून के पारित न होने से किसानों का नुकसान ही हुआ बल्कि फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आज किसानों के माध्यम से जो सो कॉल्ड जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो उनको राजनीति करते हैं जो उनके आ, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो गलत तरीके से जो उनके उनके साथ एक तरह से उनका जो शोषण किया जाता है मार्केट में जो व्यापारी लोग जो बैठे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा पूरा यह आंदोलन था जिसको कई तरीके के गलत और संगठनों का समर्थन भी प्राप्त था और इस आंदोलन से किसानों का को कोई लेना देना नहीं था और कहीं से भी किसान का मूवमेंट नहीं था या वाराणसी काशी का डेवलपमेंट मॉडल कैसे इम्पैक्ट करेगी आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा आध्यात्मिक भावना के साथ आ, उनका भाषण सुना लिया हम लो, लोग देश भर लोग सुन दिया काशी का परिवर्तन इस इलेक्शंस में कुछ ना कुछ बीजेपी को प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं देखिए ये, ये, ये राजनीति की दौर से देखने वाला वर्क है कि नहीं नहीं इसको राजनीतिक रूप से हम लोगों को नहीं देखना चाहिए क्योंकि धर्म और अध्यात्म जो है जो विषय है वो भारत का भारत की संस्कृति है भारत का प्राण है इसकी अगर हम केवल राजनीतिक रूप से चर्चा करेंगे तो हमारे मुद्दे के साथ अन्याय होगा करेक्ट और काशी में जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गलियारे का उद्घाटन किया है ये हिंदू स्वाभिमान का मुद्दा है Correct. क्योंकि हमारे स्वाभिमान को मुगल काल में जितना तोड़ा गया मरोड़ा गया इसका अत्याचार किया गया जितने बलात्कार हम लोगों के साथ हुए जितने धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पर हमको हुए आज हिंदुत्व का स्वाभि हिंदू का स्वाभिमान जगह है तो इसको हमको बरकरार रखना है और ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है ये भारत का मुद्दा है और भारत की किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे को उठाती है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि भारत की अन्य पार्टियाँ केवल राजनीति करती हैं धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी धर्म का काम करती है राजनीति नहीं करती लेकिन लोग जो गलत आक्षेप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है नहीं हम अपने धर्म के उत्थान के लिए क्योंकि अगर हमारा किसी तरह से पराभव हुआ था जिन गलत कारणों से हुआ था जिन गलत शक्तियों के माध्यम से हुआ था आज उसका आज उसको जवाब देने का वक्त है माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से अपने सर को अपने पूरे भारत के मस्तक को और गौरव को गौरवान्वित करते हुए इसका जवाब दिया है और निश्चित रूप से जवाब आगे दिए जाते रहेंगे चाहे वो काशी का मुद्दा हो चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो चाहे वो मथुरा का मुद्दा हो और आगे आने वाले हर जगह पर जहाँ जहाँ हिंदू सम्मान स्वाभिमान को तोड़ा मरोड़ा गया है हम उसका बदला लेंगे और फिर से अपना स्वाभिमान खड़ा करेंगे पिछले इलेक्शंस में पिछले चुनाव में 320 से पार सीट जीत गए बीजेपी ने अब ये आने वाला चुनाव में नंबर बढ़ेगी कि कम हो जाएगी देखिए ऐसा है ये समान कॉन्फिडेंस के साथ बताओ ये हमारी संख्या बढ़ेगी वो इसलिए बढ़ेगी क्योंकि माननीय योगी जी के सरकार में जैसे कि समाजवादी सरकार में समाजवादी जो गुंडे थे वो लोगों की ज़मीन पर कब्जा करते थे आज किसी की सरकार में पाँच साल में किसी की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं किया गया okay. आज किसी के मलिक जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं किया गया आज कोई धार्मिक रूप से कोई उन्माद खड़ा नहीं किया गया कोई दंगे फसाद नहीं हुए पाँच साल की सरकार में ये इस बात का जवाब है और माननीय योगी जी की सरकार में जिस तरीके से जनता सुकून की ज़िंदगी से जी रही थी जी रही है वो मायावती के समय में अगर देखते हैं तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए मायावती भी हिंदू ही हैं उन्होंने केवल एक दलित और हरिजन एक्ट को लेकर के इतनी बड़ी राजनीति की आपसे अगर कुछ कह दिया आपका नाम अगर मैंने ले दिया तो इसमें हरिजन एक्ट लगाने की क्या जरूरत है आपका नाम तो है ही आपकी अगर कोई जाति भी है उस जाति से अगर हम बात करते हैं तो आप हमको भी ब्राह्मण कहते हैं छत्री कहते हैं राजपूत कहते हैं बनिया कहते हैं अगर हमने आपको शूद्र कह दिया तो इसमें राजनीति करने का क्या मुद्दा है इसमें हरिजन एक्ट लगाने की क्या जरूरत है हिंदू को हिंदुओं के बीच में क्यों तोड़ा जाता है अच्छा तो इस टूटन के कारण हिंदू इनसे उब चुका था मायावती से भी बीएसपी से भी उबा और समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी जो मुस्लिम परस्त सरकार थी मुस्लिमों के लिए जो सरकार चलती थी उसका भी जवाब 2017 में दिया और निश्चित रूप से इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इसका और अच्छा जवाब देगी हम तीन सीटों से कम नहीं आने वाले हैं अच्छा थ्री ओके थैंक यू वेरी मच गौतम जी थैंक यू वेरी मच फॉर यो ఉత్తరప్రదేశ్లో పరిస్థితి గురించి అది బీజేపీ నాయకుడు చెప్తున్న మాట బీజేపీకి సంబంధించి ఆయన కూడా ఎన్నికల బరిలో నిలవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టుగా కనబడుతోంది అండ్ అంతేకాదు ఈసారి నంబర్ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గదు అనేది వారు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నమాట సరే నంబర్ ఏ విధంగా ఉన్నా ఉత్తరప్రదేశ్లో యోగి సర్కార్ మళ్ళీ రావడం మాత్రం ఖాయమని ఆయన ధీమాగా చెప్తున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది ఇక వ్యవసాయ చట్టాలకు సంబంధించి వాటిని తీసుకొచ్చిన విధానం కావచ్చు దానిపైన నిరసనలు కావచ్చు మళ్ళీ ఇప్పుడు వ్యవసాయ చట్టాలని వెనక్కి తీసుకున్న విధానానికి సంబంధించి కావచ్చు దాని ఇంపాక్ట్ పెద్దగా ఉండబోదు అనేది బీజేపీ పర్సెప్షన్గా కనబడుతోంది సో ఓవరాల్గా యూపీ ఎన్నికలకి సంబంధించి భారతీయ జనతా పార్టీ వెర్షన్ ఈ విధంగా ఉంది